हेलो फूडीज फ्रेंड्स, मैं सबा फिरोशी, एक सबस किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ मुहर्रम की बहुत ही स्पेशल डिश खिचड़ा। इसे हलीम भी कहते हैं और हरीसा भी कहते हैं। इसे बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर अगर आप इसे सही तरीके से सारी तैयारी करके प्रिपेयर करें तो इसे बनाना उतना भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही हेल्दी डिश है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए बनाते हैं मुहर्रम की स्पेशल रेसिपी खिचड़ा। खिचड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आप तैयारी कर लीजिए। ये मैंने लिया है आधा कटोरी लोबिया, इसे रात भर मैंने पानी में भिगो कर रखा था, और 500 ग्राम कुटा हुआ गेहूं, इसे भी मैंने ओवरनाइट बड़े बर्तन में खूब सारे पानी में भिगो कर रखा था, जिससे कि सुबह तक ही ये फूल करके पकने के लिए तैयार हो गया है। कुटा हुआ गेहूं आपको किसी भी किराना वाले की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। मैंने कुटा हुआ गेहूं और लोबिया साथ में ही भिगो दिया था। और साथ ही हमें चाहिए होंगी दालें। दाल में मैंने लिया है 150 ग्राम अरहर की दाल, 150 ग्राम मसूर दाल, 100 ग्राम चना दाल, 50 ग्राम मूंग दाल, 50 ग्राम उड़द दाल, 100 ग्राम चावल। चावल बासमती वाला ना लें, जो हम इडली बनाने में चावल यूज़ करते हैं वही चावल आप खिचड़ा बनाने में इस्तेमाल करें। खिचड़ा बनाने से 2 घंटे पहले एक बड़े भगोने में सारी दालें एक साथ डाल दें। अरहर दाल, मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और चावल। इसमें मैं पहले पानी ऐड कर रही हूँ और फिर सभी दालों को मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी ताकि जो भी डस्ट है वो निकल जाए। तो लीजिए, दालों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें 1 लीटर करीब पानी डालकर 2 से 3 घंटे के लिए भीगने रख दें। जब तक दालें भीग रही हैं तब तक के बाकी की तैयारी कर लेंगे। ये मैंने लिया है 1.25 किलो बकरे का मटन। मैंने मटन के साथ थोड़ा सा बोन्स और फैट भी रखा है। आप चाहे तो बोनलेस मटन भी ले सकते हैं अपने खाने के हिसाब से। मटन को पकाने से पहले अच्छे से वॉश कर लें और 6 बड़े साइज के प्याज को लंबाई में स्लाइस कर लें। 2 से 2.5 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिए। स्पाइसेस में हमें चाहिए 2.5 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़ी चम्मच मीट मसाला पाउडर। मीट मसाला पाउडर आपको रेडीमेड किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। 2 बड़ी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 2 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को हम यूज़ करेंगे गेहूं और दाल को पकाते वक्त, और नमक हम यूज़ करेंगे स्वाद अनुसार। और ये मैंने 25 हरी मिर्चों को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा करी पत्ता। और फिर ले लीजिए 1 कटोरी पुदीन की पत्तियाँ। पुदीन को अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर बारीक काट लीजिए। और साथ ही 1 कटोरी हरे धनिया की पत्तियाँ भी ले लीजिए, इसे भी वॉश करके बारीक काट लें। अखे मसाले में हमें चाहिए 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 4-5 लौंग, 12 से 15 काली मिर्च के दाने, और फिर 100 ग्राम करीब तेल ले लीजिए। तो दाल भिगोने के बाद लगभग 1 घंटे में ही सारी तैयारी कर ली। अब गैस पर बड़ा वाला भगोना रखें जिसमें पूरा स्टफ हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे, तो सारा स्टफ इस भगोने में आ जाए। इतना बड़ा भगोना चाहिए होगा। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें भीगा हुआ लोबिया और कुटा हुआ गेहूं डाल दें। दाल के मुकाबले ये दोनों को ही पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसे हम पहले पकाएंगे। इसमें 1.25 लीटर करीब पानी डाल दें। ये पकते समय पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही अच्छे से फूलेगा। तो लीजिए, पानी भी ऐड कर लिया है। और अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे पकने रख देंगे 30 मिनट के लिए। लेकिन इसे हमें बीच बीच में चलाते भी रहना है ताकि ये भगोने के तले पर चिपके नहीं। जब तक गेहूं और लोबिया पक रहा है तब तक हम मटन का कोरमा तैयार कर लेंगे। दूसरे गैस पर प्रेशर कुकर रखें। कुकर में तेल डालकर तेल को गर्म कर लें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें सारे अखे मसाले डालकर अखे मसालों को तड़कने तक के फ्राई करें। तो लीजिए, सभी अखे मसाले डाल दिए हैं। जब अखे मसाले फ्राई हो जाए तो इसमें प्याज डाल दें। प्याज पूरी ना डालें, प्याज को थोड़ी सी बचा कर रखें। बचा कर रखी हुई प्याज को हम लास्ट में गार्निशिंग के लिए फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छे से मिला लें और फिर मध्यम आंच पर गुलाबी होने रख दें। जब तक ये प्याज गुलाबी हो रही है तब तक दूसरे गैस पर पकने रखा हुआ गेहूं और लोबिया देख लें। ये देखिए, पूरा पानी एब्जॉर्ब करके किस तरह से फूल रहा है। इसमें मैं और पानी ऐड कर रही हूँ। गेहूं और दालों को पकाने के लिए 3 गुना ज़्यादा पानी लगता है, तो बेझिझक आप पानी ऐड करते रहें। मैं 1 लीटर करीब पानी ऐड कर रही हूँ। और अब भिगो कर रखी हुई दाल डाल दें पानी समेत। दालें बहुत जल्दी पक जाती है, इसीलिए गेहूं को पहले पकाना होता है। जब गेहूं भी थोड़ा सा पक जाता है तो इसी में दाल डालकर गेहूं के साथ पकाया जाता है दाल को। लीजिए, दालें भी डाल दी हैं। मुझे पानी कम लग रहा है तो मैं इसमें 0.5 लीटर पानी और ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने कुल मिलाकर के 1 किलो भर की चीज़ें ली हैं तो इसमें पानी का इस्तेमाल लगभग 4 से 5 लीटर होगा। पानी डालने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे 1.5 बड़ा चम्मच नमक। नमक अगर कम भी हो जाएगा तो हम लास्ट में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब ऐड कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और फिर सभी चीज़ों को एक बार मिला लें। और अब मैं थोड़ा सा करी पत्ता डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन करी पत्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब डाल दें कटी हुई हरी मिर्चों का आधा हिस्सा। आधी मिर्चें हम कोरमा बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और फिर ऐड कर लें 1/2 कटोरी पुदीने की पत्तियाँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें और फिर इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकने रख दें। और अब बढ़ते हैं दूसरे गैस की तरफ। तो लीजिए, यहाँ हमारी प्याज भी गुलाबी हो गई है,
इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिलाएं और फिर इसे भून लें तेज़ आंच पर जब तक कि प्याज ब्राउन ना हो जाए और अदरक लहसुन की कचाई न चली जाए। तो लीजिए प्याज भी ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मटन। तो लीजिए मटन भी डाल दिया है, मटन को प्याज के साथ अच्छे से मिला लीजिए। मटन को ढककर हम 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकने रख देंगे ताकि मटन का पूरा पानी जल जाए। तब तक हम चेक कर लेंगे दाल। एक बात का खास ख्याल रखिए कि दाल को हमें बीच बीच में बार बार चलाते रहना है वरना दालें भगोने के तले पर चिपक के जल सकती है। मुझे इसमें पानी कम लग रहा है तो इसलिए मैं 3 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। अब तक मैंने 3.5 लीटर पानी दाल पकाने में यूज़ किया है। पानी डालने के बाद दाल को अच्छे से चला लें। अब इसे हम स्लो कुक करेंगे धीमी आंच पर। यहाँ मटन का पानी भी जल चुका है, अब इसमें ऐड कर लेंगे करी पत्ता और स्पाइसेस। इसमें हल्दी पाउडर नहीं डलेगा क्योंकि हल्दी पाउडर ऑलरेडी 2 बड़ी चम्मच ऐड किया हुआ है हमने दालों में। और अब इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और फिर ऐड कर लें 1.5 बड़ी चम्मच नमक यानी कि 1 और आधा बड़ा चम्मच। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें और फिर इसमें डाल दें हरे धनिया की पत्तियाँ और फिर इसे भी मिला लें। क्योंकि मैंने 1.25 किलो मटन लिया है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 कप पानी। अगर मेजर कप से नाप कर डालें तो 600 से 700 ml पानी। बस एक बात याद रखिए कि मटन का आधा हिस्सा आपको पानी कोरमा में डालना है। अब प्रेशर कुकर की लीड लगाकर इसे 5 से 6 सीटी पर पका लें। तो ये आप देखिए दाल अच्छे से पक गई है और बहुत ही सॉफ्ट हो गई है क्योंकि इसे बीच बीच में चलाते भी रहे तो ये तले पर चिपकी भी नहीं है। दाल को भगोने में पकाने पर इसका टेस्ट और भी बढ़ता जाता है। प्रेशर कुकर में दाल अक्सर तले पर लग जाती है तो बेस्ट है कि आप खिचड़ा भगोने या फिर देगचे में ही पकाएं। अब जब दालें अच्छे से पक गई हैं तो इसकी हम 10 से 15 मिनट तक घुटाई करेंगे। मैं हैंड बीटर की मदद से दाल को अच्छे से मैश कर रही हूँ। आप दल घुटनी या फिर किसी भी मैशर से दाल को अच्छे से मैश करें, ये बहुत ही मेहनत का काम है। आप घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं। फ्लेम को मैंने अब तक बंद नहीं किया है, फ्लेम को लो पर ही रखा हुआ है। तो दालों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और यह हमारा मटन कोरमा भी पककर तैयार है। बहुत ही रेशेदार हो गया है मटन। अगर आपने बोनलेस मटन लिया हो तो आप मटन को भी मैश कर सकते हैं, पर मैंने बोन्स वाला मटन पकाया है तो मैं इसे मैश नहीं कर रही हूँ। अब मटन कोरमा को हम दाल वाले भगोने में डाल देंगे। दाल पकने के बाद स्टफ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बना है और मटन कोरमा की तरी भी आप देखिए कि कितनी अच्छी आई है और कलर भी बहुत ही औसम आया है क्योंकि मैंने यूज़ किया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे कि बहुत ही प्यारा कलर आता है। मटन कोरमा डालने के बाद इसे हम इत्मीनान से बड़े आराम से मिलाएंगे जब तक कि दालें पूरी तरह से मटन की तरी को एब्जॉर्ब ना कर ले। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। फ्लेम को बंद ना करें, फ्लेम को लो ही रखें। जब तक खिचड़ा स्लो कुक हो रहा है तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो बचा कर रखी हुई प्याज डाल दें और फिर तेज़ आंच पर फ्राई कर लें क्रिस्पी ब्राउन होने तक। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो प्याज को किसी बर्तन में छन्नी की मदद से छान कर निकाल लें। अब खिचड़ा पूरी तरह से घट हो गया है, इसकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। खिचड़ा बहुत ज़्यादा पतला ना रखें वरना खाने में उतना टेस्ट नहीं आता है। सबसे पहले गैस को बंद कर दें और फिर इसकी गार्निशिंग करें पुदीने की पत्तियों से और फिर फ्राइड ऑनियन भी इस पर गार्निश कर लें। अब इसमें नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक आपको कम लगे तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लें और फिर मिला लें। तो लीजिए बहुत ही डिलीशियस खिचड़ा बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें नींबू के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिसके वजह से आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।